दोस्तों, क्या आप उस कंपनी के बारे में जानते हो जिसने अपने देश भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाई है? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप गर्व महसूस करोगे कि अपने देश की कंपनी वैक्सीन उत्पादन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस कंपनी और इसके संस्थापक के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी हुई सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक भारतीय संस्थान है जो टीके और प्रतिरक्षात्मक दवाइयों का एक प्रमुख निर्माता है। यह संस्थान भारत की नंबर एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। यह कंपनी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला ने की थी। यह कंपनी उत्पादित खुराक की संख्या के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी है। इस कंपनी में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.3 अरब वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है। इसके द्वारा विकसित उत्पादों में तपेदिक वैक्सीन, पोलियो, आर हिपेटाइटिस बी, टिटनस, डिप्थीरिया, टीबी आदि बीमारियों और बच्चों में लगने वाले टीके शामिल हैं। वैक्सीन उत्पादन के मामले में ये कंपनी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि दुनिया की तकरीबन 65% बच्चों की आबादी को सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कम से कम एक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस कंपनी में बनने वाली वैक्सीन दुनिया भर में बेची जाती है। दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कोरोना वायरस की दो वैक्सीन है। पहली है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, और दूसरी है कोविशील्ड, जो ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनकी की वैक्सीन का ही भारतीय संस्करण है। इसको सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार को कोविशील्ड की 10 करोड़ डोज 200 रुपये प्रति डोज के हिसाब से दी थी, जिसकी कीमत मार्केट में 1000 रुपये प्रति डोज है। शुरू में सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना इम्यूनो बायोलॉजिकल का उत्पादन करने के लिए की गई थी, जिसे दूसरे देशों से मंगवाया जाता था, जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती थी। आजकल ये कंपनी वैक्सीन के अलावा एंटीसेरा, ब्लड प्लाज्मा और हार्मोन उत्पाद भी बनाती है। 2014 तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित टीकों का उपयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों में किया गया है। 2016 में सीरम इंस्टीट्यूट ने यूएस आधारित मास बायोलॉजिक्स के सहयोग से एक तेजी से काम करने वाले एंटी रेबिज एजेंट, रेबिज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का आविष्कार किया था, जिसे रेबिशील्ड के रूप में जाना जाता है। मार्च 2021 में चाइना के एक साइबर जासूसी समूह, जिसका नाम रेड अपोलो है, इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बौद्धिक संपदा को नष्ट करने की कोशिश भी की थी। तो ये तो बात हो गई कंपनी की। अब आखिर में थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं जिसने इस कंपनी को शुरू किया था। तो जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी की स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला ने की थी। साइरस पूनावाला का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता सोली पूनावाला घोड़े के ब्रीडर थे। साइरस पूनावाला का विवाह विलू पूनावाला से हुआ था, जिनकी मृत्यु 2010 में हो चुकी है। उनका एक बेटा अदार पूनावाला है, जो वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। साइरस पूनावाला जी को वर्ष 2005 में भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको पद्म श्री से सम्मानित किया था। साइरस पूनावाला जी को 26 जून 2019 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट ऑफ साइंस से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कहानी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।
बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।